नमस्कार, आज हम बनाएंगे चॉकलेट बॉल रेसिपी। वीडियो पूरा देखिए, अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरा जो नया वीडियो है आप सबसे पहले देख सकें। तो चलिए देखते हैं इसका इंग्रेडिएंट्स हमें क्या क्या चाहिए। इधर मैं ले रही हूँ चीनी 1 कप, यह है कॉर्नफ्लेक्स, इसको मैंने चूरा कर लिया है 1 कप, भुना हुआ मूँगफली 1/2 कप, काजू 10 से 12 पीसेस, किशमिश, अखरोट और चॉकलेट मैं ले रही हूँ 1 अमूल का डार्क चॉकलेट और 1 टेबलस्पून घी। सबसे पहले हम एक कढ़ाई को गर्म कर देंगे और इसमें हम चीनी डालेंगे। चीनी डालेंगे और हमें 1/2 कप पानी डालना है इसमें। पानी डालने के बाद ऐसे बबल्स आने लगेगा और आप देखिए कि जैसे ज़्यादा आपका गाढ़ा ना बन जाए। आपका जो शुगर सिरप है पानी में डाल के देख सकते हैं आप, अगर आपका जो शुगर सिरप है गाढ़ा हो रहा है पानी में, उसी समय आप इसमें डाल दीजिए घी 1 टेबलस्पून। और इस समय अभी आप गैस को बंद कर दें। आपको शुगर का जो सिरप है ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाना है। अगर आपका शुगर सिरप गाढ़ा बन गया तो हार्ड हो जाएगा। अभी हम गैस बंद कर दिया है मैंने। इसमें मूंगफली, भुना हुआ किशमिश, अखरोट, काजू और कॉर्नफ्लेक्स का चूरा। कॉर्नफ्लेक्स को मैंने थोड़ा थोड़ा हाथ से मैंने क्रश कर लिया था। ऐसे हम मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से शुगर का सिरप में। देखिए अच्छी तरह से मिक्स करना है आपको। अभी इसको आप एक प्लेट में निकाल दीजिए ताकि थोड़ा ठंडा हो जाए। ज़्यादा ठंडा नहीं करना है। देखिए मैं प्लेट में निकाल चुकी हूँ और लगभग थोड़ा हल्का गरम रहना चाहिए और उसी समय आप थोड़ा सा अपने हाथों में पानी ले लीजिए और ऐसे दबाते हुए आप लड्डू जैसा बना लीजिए। ये देखिए मैं लड्डू बना चुकी हूँ। इसको आप ऐसे लड्डू बना दीजिए या फिर आप इसको जैसे हमारा बर्फी बनाते हैं उसी तरह एक प्लेट में फैला के ऐसे दबा दीजिए। और ठंडे होने के बाद आप इसको पीसेस में काट लीजिए और स्क्वायर शेप का बना लीजिए। अभी हम एक भगोने लेंगे और इसमें मैंने पानी डाल दिया है। लगभग 200 से 250 ml पानी है इसमें। इसको गर्म करने के लिए मैंने बिठा लिया है। पानी देखिए थोड़ा थोड़ा गर्म होने लगा है। अभी दूसरे बाउल, जैसे कि ऐसे बाउल हम लेंगे कि उसी के अंदर फिट आ जाए। और उसमें मैंने डाल दिया है चॉकलेट, इसको हम डबल बॉलर भी बोलते हैं। तो इसको हम डबल बॉलर में चॉकलेट को मेल्ट करेंगे। मैंने अमूल का डार्क चॉकलेट लिया था, आप चाहे तो दूसरा चॉकलेट भी ले सकते हैं। इसी तरह से हम हिलाते हुए इसको मिक्स कर देंगे। ये देखिए हमारा चॉकलेट जो है मेल्ट हो चुका है। आप किसी चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए। और ये थोड़ा देखिए गाढ़ा है, इसीलिए मैं इसमें 1/2 कप दूध मिला रही हूँ। दूध मिलाने के बाद आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। इसमें हम डालेंगे, क्योंकि हम दूध मिला रहे हैं तो इसका शुगर जो है कम हो जाएगा, तो इसीलिए मैं 2 टेबलस्पून जो है शुगर ले रही हूँ। चीनी का पाउडर। चीनी को आप ग्राइंडर में पीस लीजिए और ये पाउडर हो जाएगा। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। ये देखिए मैं मिक्स कर चुकी हूँ और हमारा जो चॉकलेट है अभी थोड़ा लिक्विड
पतला हो गया है, पहले गाढ़ा था, तो अभी हमारा चॉकलेट सिरप जो है, चॉकलेट जो है अभी तैयार है। अभी हम गैस बंद कर देंगे और अलग से मैं चॉकलेट को रख लूँगी। देखिए मैं अलग से चॉकलेट को रख लूँगी। और अभी हमारा जो बॉल बना हुआ था, और आपने अगर पीसेस में बनाया है स्क्वायर का, तो उसको चारों तरफ से दबाते हुए पीस बना लीजिए। और इसी में चॉकलेट में हम डिप करेंगे इसको और प्लेट में ऐसे निकाल लेंगे। सारे बॉल को हम इसी तरह से डिप करेंगे इसमें चॉकलेट में, अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। ये देखिए मैं कोट कर चुकी हूँ, और ऊपर से मैंने सजाने के लिए छोटे छोटे जो स्वीट बॉल मिलता है मार्केट में, उससे मैंने सजा दिया है। और इसको अभी आप लगभग 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिए, और फ्रिज से निकालने के बाद आपका जो चॉकलेट बॉल है खाने के लिए रेडी है।